हम आज उस बच्ची के लिए खड़े हैं, उस 9 साल की बच्ची के लिए खड़े हैं जो सिर्फ पानी भरने गई थी और पुजारियों द्वारा उस दुष्कर्म का शिकार हुई। तो आज आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि क्या करे सरकार इस बच्ची के न्याय के लिए। देखिए मैं आपको बात बता दूं, पहले तो त्रिलोकपुरी में आप खड़े हुए हैं जी। सबसे पहले तमाम जो इस न्यूज़ को देख रहे हैं उन सभी को जय भीम करना चाहूँगा, और आपको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो हमारी न्यूज़ों को नहीं दिखाती। तो आपका भी आभार कि आप सभी लोग इतनी मेहनत करके इस मीडिया को जो है पूरे देश और जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात कि आज जो बीते दिनों एक घटना हुई दिल्ली के नांगल गाँव में, दिल्ली कैंट, दिल्ली वो एरिया यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिसको लंदन बताने की बात करता है, और वहाँ पे एक 9 साल की मासूम बच्ची जो आर्थिक स्थिति से ही बहुत कमज़ोर है, और वो दलित वर्ग जिसके साथ 6000 सालों से उसका शोषण, उसका अत्याचार हुआ, और आज जब उसके साथ वो शोषण हुआ, वो बच्ची पानी लेने गई थी, उसकी माँ ने उसे पानी लेने भेजा था, लेकिन उसकी माँ को भी शायद ये नहीं पता था कि मैं अपनी बच्ची को पानी लेने भेज रही हूँ, वापस घर वापस नहीं लौटेगी। जब उसकी मैं ये बात जो है वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो मैं उससे अवगत कराना चाहता हूँ कि जब वो बच्ची वहाँ पानी लेने गई तो माँ ने सोचा कि गई है पानी लेके वापस आ जाएगी, लेकिन उसको नहीं पता था ना वापस नहीं लौटेगी। जब टाइम हुआ वो वापस नहीं लौटी तो समाज के लोग इकट्ठा होकर शमशान घाट पहुँचे, और जब वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर चिता के ऊपर वो मासूम बच्ची जल रही थी, जिंदा बच्ची को जला दिया गया। अब आप ये देखिए कि पुजारी जिसको आप भगवान का दलाल भी कह सकते हैं, क्योंकि भगवान से अगर बात करनी है तो पहले पुजारियों से बात करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब वो दलाल है, एजेंट है भगवान के, और भगवान के दलालों के द्वारा ये जघन्य अपराध किया गया शमशान घाट के पुजारियों के द्वारा। उन्होंने उस मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की जिसका वो शिकार हुई, उसके बाद उसको जिंदा जला दिया, और जब वहाँ लोग पहुँचे तो सिर्फ क्या मिला, दो पैर मिले, सिर्फ दो पैर, उसके पूरी राख थी और वो दो पैर मिले। और ये घटना एक साल पहले हाथरस के अंदर भी हुई। बड़ा सवाल यह है कि बहन बेटियां सबकी बराबर होती हैं, हमारे महापुरुष बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जिन्होंने महिलाओं को सिर्फ चार दीवारी के अंदर कैद करके रखा जाता था, जिनको पढ़ने का लिखने का शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनको सारे तमाम अधिकार दिए, तो हमारे महापुरुष ने हमें समानता सिखाई, एकता सिखाई। अगर यहाँ पे 9 साल की बच्ची दलित समाज की नहीं होकर सवर्ण समाज की भी होती तो हम उसी एकता के साथ उसी ताकत के साथ वहाँ पहुँचते। लेकिन सवाल यह है कि आप लंबी लिस्ट उठा के देखिए कहाँ पे समर समाज की महिलाओं के साथ या बच्चियों के साथ ये तमाम घटनाएं होती है। इससे ये पता लगता है कि हमारी बहन बेटियों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं वो घटनाएं महज एक जो बिना उसके नहीं है, ये साजिशन हुई है, क्योंकि दलित समाज को आज भी लोग ये समझते हैं कि वो पिछड़ा समाज जिसके हक अधिकार हम लूटते आए, जिनकी बहन बेटियों के साथ हम शोषण करते आए, उनका कोई रहनुमा नहीं है, उनका कोई पैरोकार नहीं है, हम उनके साथ कुछ भी कर लें हमें कोई देखने नहीं आएगा। देखिए वो घटना हुई, अब उसके बाद उस घटना को लेकर पूरे समाज में आक्रोश है, पूरे देश में जो बुद्धिजीवी लोग रहते हैं जो ये समझते हैं कि हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं, महिलाएं हैं, जो वर्ग है वो समझते हैं, तो पूरे देश में आक्रोश का माहौल है, सभी लोग कैंडल मार्च उस बहन को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज हमारे लोकसभा प्रभारी भाई विक्की पारचा जी यहां से कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, पूरे देश में तमाम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर बलात्कार हो सकता है, दिल्ली के अंदर वो जघन्य अपराध हो सकता है, और पुलिस पूरे उस अपराध के जो है घेरे में है, और वही पुलिस आज जब यहाँ पे कैंडल मार्च निकला, मुझे जानकारी मिली कि विक्की पारचा जी को और उनकी टीम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया जी। क्यों लिया हिरासत में, क्योंकि हम उस मासूम बच्ची के हक के लिए जो है हक के लिए आवाज उठा रहे थे जी। अब आप ये देखिए कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, यानी लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते, ऐसा लोकतंत्र है हमारा। अब यहाँ पे आप देखिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको तार तार के, बच्ची का बलात्कार तो हो सकता है लेकिन उसके लिए हम आवाज नहीं उठा सकते हैं। वो पुलिस जो आज इस देश में गुंडाराज कर रही है, और वो गुंडाराज किसके इशारे पर चल रहा है सबको पता है, मैं नाम लूंगा तो आप पहचान जाएंगे कि मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ, हाँ मैं नाम लूंगा तो आप पहचान जाएंगे कि मैं अमित शाह की बात कर रहा हूँ। वो तड़ीपार, क्या उसके घर में बहन बेटियां नहीं है, या जो प्रशासन है उसके घर में बहन बेटियां नहीं है, ये आंखों से जो है सुअर का बाल आप सभी लोग निकाल लें। वो दलित समाज, वो बहुजन समाज जिसके ऊपर सदियों से शोषण हुआ ना, वो चुप बैठने वाला नहीं है। हम लोग ना जेलों से डरते हैं, हम लोग ना लाठियों से डरते हैं, क्योंकि हमारे लीडर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने समाज के अंदर वो नई क्रांति पैदा की है कि हम लोग अगर जेल जाते हैं अपना स्वाभिमान समझते हैं जेल जाना, क्योंकि हम लोग समाज के अधिकारों के लिए जेल जा रहे हैं, और जेल क्रांतिकारियों के लिए गहना होती है। लेकिन माननीय काशीराम साहब ने एक बात कही जो हमारे रहबर हुए, उन्होंने कहा कि जब सरकारें आपको रोक नहीं पाएंगी तो वो सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगी, वो प्रशासन का सहारा लेंगी, और आज हो रहा है
प्रशासन का सहारा ले रहे हैं, लेकिन हम प्रशासन से डरने वाले लोग नहीं हैं। प्रशासन में भी तो हमारे लोग बैठे हुए हैं, हमें पता है कि सरकार के इशारों पर काम करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें अब देश के अंदर है। लेकिन मैं समाज से भी कहना चाहूँगा कि आप आँखें खोल लीजिए। मैं चमार हूँ, मैं वाल्मीकि हूँ, मैं कोरी कुर्मी पासी धोबी धानू कहीर गडरिया गुजा जाट नाई यादव तेली तमोली अहीर खटीक मुस्लिम, मैं 6743 जातियों में बैठा हूँ। साथियों, जब तक आप बहुजन समाज नहीं बनेंगे ना, जब तक आप एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी मिल 85% बहुजन समाज नहीं बनेंगे, जब तक आपके साथ हाथरस जैसा कांड, आपके साथ भाई रमन वाल्मीकि जैसा कांड, आपके साथ रोहित वेमुला जैसा कांड, आपके साथ पायल तड़वी जैसा कांड और तमाम जो अत्याचार आपके साथ हो रहे, आपके गुरुवर तोड़े जाते हैं, आपके जो आपका आरक्षण है उसके ऊपर जो वार किए जाते हैं, वो तमाम वार ऐसे होते रहेंगे। हो सकता है कि आप अगली बार ये सारी चीज़ें दिल्ली तक आई, आपके घर तक भी पहुँच सकते हैं। तिल्लोकपुरी के ब्लॉक आपका मकान नंबर उसे छूटेगा नहीं, क्योंकि वो लोग शोषण आपकी जाति देख के कर रहे हैं, और आप जब तक जाति का एकजुटता नहीं दिखाएंगे, आपका जो शोषण है वो अत्याचार खत्म नहीं होगा। प्रशासन से कहना चाहूँगा कि जिसके दबाव पे आप काम कर रहे हैं ना, वो दबाव भूलकर ये देखिए कि 9 साल की मासूम बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ, और आप भी खुद इस घेरे में हैं। हम लोग नहीं जानते चेहरे से, हम लोग सिर्फ वर्दी को जानते हैं, और वर्दी ने अपराध किया है तो वर्दी वालों को शर्म भी करनी चाहिए। जय भीम।